हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ मोहम्मद इरशाद टीम जुलॉजी फ्रॉम सी एल सी सी कर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर टेस्ट सीरीज नंबर एट आउट ऑफ सिक्सटीन विच इज़ फ्रॉम द कम्प्लीट सिलेबस ऑफ जुलॉजी एज एडवाइज बाई द एन टी ए टेस्टिंग एजेंसी कम्प्लीट सिलेबस का ये पेपर है क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो वन इट रीड्स एज मैरिजुआना इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट तो मैरिजुआना किस प्लांट से ऑप्टेन की जाती है तो द करेक्ट आंसर इज दिस इज कैनाबिस सटाइवा। इसी प्लांट से और दूसरे कैनाबिनोइड्स, जैसे कि हशीष चरस गांजा ये ऑप्टेन किए जा सकते हैं सो द करेक्ट आंसर इज वन इन क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन जीरो टू हिपेटाइटिस बी वैक्सीन इज कॉमनली प्रोड्यूस बाई यूजिंग अब हिपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है ये आप सबको पता है इट इज ए आर डी एन ए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इसको अपन दो तरह से ऑप्टेन कर सकते हैं या तो ये ऑप्टेन किया जा सकता है ई कोलाई को यूज करते हुए या फिर ये यूज किया जा सकता है सेकेरो से। तो यहां पर इस चरकिया कोलाई मेंशन नहीं है किसी भी ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर इज द ईस्ट सैकेरोमाइसिस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसमें अपन कोर्ट प्रोटीन को बनाते हैं और वो कोट प्रोटीन पर्सन में इंजेक्ट करते हैं और उससे फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है तो करेक्ट आंसर इज थ्री नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमनली एबसेंट इन अ पैरासिटिक पैरासाइट लिविंग इन ह्यूमन गट आपने को ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन गट के अंदर अगर कोई पैरासाइट रह रहा है तो उसके अंदर क्या होंगे बेटा पैरासिटिक अडप्टेसन मिल जाएंगे पैरासिटिक अडप्टेसन में आपको मिल जाएंगे ऑर्गन फॉर अटैचमेंट और उसके अंदर जो है वेल एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएगा और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल मिल जाएगी ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिख रखी हैं एक अच्छे पैरासाइट के अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जैसा इसमें लिख रखा है रेजिस्टेंस टू लो अगर वो endoparasite है स्टमक में चला गया तो वो मरता नहीं है एच सी एल की मौजूदगी के बावजूद भी तो वो रेजिस्टेंस भी होता है है ना उसमें कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल भी होती है है ना और इसमें ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट भी होते हैं एलिमेंट्री कैनाल वगैरह से लेकिन जो स्ट्रक्चर नहीं होता वो क्या है वो ये होता है एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती उसके अंदर क्योंकि वो होस्ट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को बॉडी के सरफेस से एब्जॉर्ब करता है इसलिए एलिमेंट्री कैनाल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती ये एक अच्छे पैरासाइट की निशानी है अब मान लीजिए एस्केरिस है उसके अंदर तो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर सकिंग के लिए फेरिंग्स वेल डेवलप्ड होती है तो हर पैरासाइट के अंदर अगली प्रॉपर्टी तो मान लीजिए एस्केरिस का अपन नाम लिया तो एस्केरिस के अंदर आपको क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल उसके अंदर ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट हालांकि नहीं होते लेकिन लो रेजिस्टेंस के लिए पीएच होता है अब ने क्वेश्चन जो पूछा है वो कॉमनली एबसेंट है इट इज कॉमनली एबसेंट इन ए पैरासाइट लिविंग इन ह्यूमन गट एलिमेंट्री कैनाल में रहने वाले एक पैरासाइट में क्या नहीं होगा तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल नॉर्मली नहीं मिलती नॉर्मली नहीं मिलती इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर में नहीं होती एसकेरिस एक तरह का यू मान सकते हैं आप उसके अंदर एक एक्सेप्शन के तौर पे कि उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी होती है लेकिन वो फेरिंग जो होती है उसकी वो कैसी होती है सक्टोरियल होती है तो आंसर इज थ्री वन जीरो फोर एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन एक्टिव का मतलब यह है कि एंटीबॉडी बॉडी खुद ही बनाएगी नंबर वन एंटीबॉडीज बाय होस्ट अब वैक्सीन डालने से एंटीबॉडी बन सकती है ये अपन जानते हैं ये अपन ने पूछा एक्सेप्ट किसके थ्रू नहीं हो सकता एक्सेप्ट वैक्सीन से हो सकता है बैक्टीरियल प्रोडक्ट आपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो उससे भी एंटीबॉडीज बन सकती हैं ठीक है इसी तरह से ये आपके पास में जो ऑप्शन है जिसमें अपन ने लिखा था टॉक्सॉइड ये भी एक तरह की वैक्सीन होती है जैसे मान लीजिए टेटनस है तो किसी के चोट लग गई अब चोट लगने के बाद में बॉडी के अंदर टॉक्सिन चले गए तो उसके बाद में उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करने के लिए टॉक्सॉइड वैक्सीन्स दी जाती हैं जबकि एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं दीज आर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दीज आर इनएक्टिवेटेड टॉक्संस दैट कैन जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स दैट कैन जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स ये होती है एंटीटॉक्सिन की तो इससे क्या होगा बॉडी में एंटीबॉडी खुद बॉडी बना लेगा यह वाली पॉइंट हो जाएगा एंटीटॉक्सिन डालने से क्या होगा बॉडी एंटी खुद हो एंटीबॉडी एंटी बना लेगा तो इसमें वैक्सीन से भी टॉक्सॉइड से भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट से भी आप बॉडी के खुद से होश से एंटीबॉडी बनवा सकते हैं लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं ये एंटी होते हैं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं दैट कैन जनरेट द इम्यून रेस्पॉन्स किसके थ्रू नहीं हो सकता ये एक्टिव आर्टिफिशियल ये इसके थ्रू नहीं हो सकता एंटीटॉक्सिन के थ्रू नहीं हो सकता इनसे हो सकता है इससे हो सकता है बैक्टीरियल प्रोडक्ट से हो सकता है तो आंसर इज फोर ठीक है वन ज़ीरो फाइव MOET technology involves the टेक्नोलॉजी of द यूज़ ऑफ एनालॉग्स ऑफ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इस टेक्नोलॉजी में जिस भी एनिमल से आपको एक अच्छी जो जनरेशन है उसको ऑप्टेन करना है तो सबसे पहले ये है कि उसके अंदर जो फीमेल होती है एक सुपर फीमेल की कैटेगरी में आती है उस सुपर फीमेल को FSH से रिजेंबल करते हुए मॉलिकूल्स को दवा के तौर पे दिया जाता है एज ए मेडिसिन दिया जाता है तो वो एफ की तरह वो दवा जब काम करती है तो बॉडी जो होता है वो एक साथ में एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह के मॉलिक्यूल्स अगर अपन देंगे तो क्या होगा मोर देन वन एग विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरीज दो एग तीन एग चार एग पाँच एग ऐसे एग रिलीज होते हैं फिर उनको अपन फर्टिलाइज करवाते हैं वो आगे की बात होती है तो इसमें हार्मोन कौन सा देते हैं अपन एफ एस एच का एनालॉग तो इसमें जो हार्मोन आ गया वो है एफ एस एच का एनालॉग इस नहीं देंगे प्रोजेस्ट्रोन नहीं देंगे एल एस नहीं देंगे एफ एस एस देने से एक साथ में कई एग रिलीज हो जाते हैं करेक्ट आंसर इज थ्री इन वन जीरो फाइव 1.06 म्यूटेशंस वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय तो म्यूटेशन सबसे पहले डिस्कवर की थी ह्यूबी ब्रिज ने और जिस प्लांट में डिस्कवर किए थे उसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज उन्होंने ये ऑब्जर्व किया ह्यूबूडी ब्रिज ने कि एक प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर कलर है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉमन चला रहा है एक सा फ्लावर कलर है पर्पल कलर अचानक उसने देखा कि फ्लावर का कलर चेंज हो गया अब वो कलर चेंज का पैटर्न जब उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि फ्लावर के कलर प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उसके अंदर चेंज आ गया था और इस तरह से कुछ म्यूटेशंस की डिस्कवरी हुई थी ह्यूगो ह्यूगुडी डिस्कवर्ड म्यूटेशंस इन द प्लांट कॉल्ड इवनिंग प्रेमरोज द करेक्ट आंसर इज थ्री वन जीरो सेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम इन एफ टू जनरेशन अब इसमें अगर अपन देखें तो जीनोटिपिक रेशो और जो फिनोटिपिक रेशो है ये कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर मान लीजिए ये है रेड फ्लावर वाला प्लांट और ये है वाइट फ्लावर वाला प्लांट अब इसके अंदर ये जो एफ वन जनरेशन आएगी वो एफ वन जनरेशन होगी हाइब्रिड अगर आप मेंडेलियन कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी को जब स्मॉल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया था तो एफ वन जनरेशन भी इसी तरह की हाइब्रिड आई थी लेकिन फिनोटाइप जो था उसका वो टॉल ही था यानी कि डोमिनेंट फिनोटाइप था यहां पर ये फिनोटाइप न तो रेड है न वाइट है ये फिनोटाइप हो गया पिंक अब इसी में अगर अपन ने ये क्रॉस कराया सेल्फ पॉलिनेशन करा के कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर ये फ्लावर हो गया रेड ये फ्लावर हो गया पिंक ये फ्लावर हो गया पिंक और ये फ्लावर हो गया वाइट ठीक है तो यहां पर जो रेशो आया वो आया इस तरह से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर तो एक तो हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड वन इज स्मॉल आर स्मॉल आर ये रेशियो वन इज टू टू वन ये जीनोटिपिक रेशियो भी यही है और ये फिनोटिपिक रेशियो भी यही है जीनोटाइप यानी कि ये जीनो जो आप देख रहे हैं वन कैपिटल आर कैपिटल आर टू कैपिटल आर स्मॉल आर एंड वन इज स्म ये जीनो टाइप रेशो है अगर आप इनका फिनोटाइप देखेंगे तो ये फ्लावर्स कैसे हो गए रेड ये फ्लावर्स कैसे हो गए पिंक फ्लावर वाला प्लांट हो गया और ये है वाइट फ्लावर वाला प्लांट तो यहां पर सेम रेशो वन इज टू टू इन ये भी यही है और जीनोटिपिक रेशियो भी यही है ये यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें अपन ने पूछा है कि जीनोटिपिक एंड एफ टू जनरेशन में एक से रहते हैं बाकी इनमें सब में बदल जाएंगे आंसर इज वन सो इन दिस क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ एल गवर्निंग द गवर्निंग सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इज सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट द जीनोटाइप आई ए ये एक एलील हो गया आई बी ये दूसरा फॉर्म हो गया और आई ओ ये तीसरा फॉर्म हो गया अब ये तीन अलील्स हैं, तीन से आपको छह फॉर्म मिल जाती हैं, जो आप देखते हो यही सीधा बोलें, सिक्स टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल आउट ऑफ दी थ्री अलील्स तो द नंबर इज थ्री आई ए आई बी एज वेल एज आई ओ ये तीन मिल मिलकर ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं वन जीरो नाइन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ड्रोन ऑफ ए हनी बी इज तो ये हनी बी का जो ड्रोन होता है ये कैसा होता है मेल होता है कैसा होता है पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होता है तो पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा हेप्लॉयड ही रहते हैं अंडे जो देती है वो फीमेल बी जिसको अपन नाम देते हैं क्वीन वो क्वीन एग्स ले करती है लेकिन वो एग्स जो होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और पार्थिनोजेनेटिकली वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉयड ही रहता है अगली जनरेशन में भी और उससे डेवलप हो जाते हैं ड्रोन्स तो नेचुरल है जब वो हैप्लॉयड अपन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डिप्लॉयड कंडीशन है थर्टी टू तो उसके आधे हो गए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया 16. तो हो गया आंसर इसमें पूछा है कि स्किन जो है ह्यूमन बींग उसका कलर सबसे हल्का सबसे लाइट कब होगा ये एग्जाम्पल है किसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले एक से ज्यादा जीन्स होते हैं एंड हियर अगर अपन ये कहते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी और कैपिटल सी कैपिटल सी तो वो डार्केस्ट स्किन हो जाएगी अपन ने पूछा है यहाँ पर लाइटेस्ट स्किन तो ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर होगी होमोजाइग्स रिसेसिव कंडीशन में सबसे हल्के रंग की स्किन आएगी और वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन वो तीनों एलिज की कुछ इस तरह से है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी स्मॉल सी तो आंसर है यहां पर फोर क्वेश्चन एग्जाम्पल शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि दो अलग अलग एनिमल्स जो अलग अलग हैबिटेट में रहते थे वो एक कॉमन हैबिटेट में आके रहने लग गए तो उनमें एक से फीचर डेवलप हो जाएंगे एक से फीचर डेवलप होंगे ये फिनोमिना इट इज नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आपको कौन से ऑर्गन सेलेक्ट करने हैं कौन से स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने हैं ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एनालॉगस होते हैं अब आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एनालॉगस ऑर्गन को सेलेक्ट करना है जैसे वर्टिब्रेट हार्ट है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलियन टेंडल्स और कुकरबीटा दीज आर होमोलोगस स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं ये फ्लिपर्स ऑफ अब पैंगविन तो एक चिड़िया है डॉल्फिन एक मैमल है दोनों एक्वेटिक में रहते हैं इसलिए दोनों में स्विमिंग के लिए स्ट्रक्चर डेवलप हो गए जिनको अपन नाम देते हैं फ्लिपर्स ये एनोलॉगस स्ट्रक्चर हैं, ये कन्वर्जेंट रिवोल्यूशन का एग्जाम्पल है कि एक तो है बर्ड और एक है मैमल जब दोनों एक ही हैबिटेट में आके रहने लग गए तो उनमें एक से फ्लीपर्स डेवलप हो गए ठीक है ना ये सही आंसर है थ्री फोर्थ ऑप्शन है ब्रेन ऑफ क्रो एंड माउस तो ऐसा एक तो चूहा है और एक कौआ है एक मैमल है और एक क्रो है तो इनके ब्रेन जो है वो जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये शो नहीं करता आंसर इज थ्री वन वन टू इवोल्यूशन ऑफ मिलनाइज मॉथ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लैंड में जब पॉल्यूशन एकदम से बढ़ा तो सिर्फ एक ही तरह का फिनोटाइप उसी का नंबर नेचर में इंक्रीज होता चला गया जैसे अपन ने कहा एक तो थे डार्क विंग्ड मॉथ एक थे लाइट विंग्ड मॉथ पॉल्यूशन जब बढ़ा तो पॉल्यूशन की बढ़ने से स्टेम जो थे जो पेड़ों के स्टेम जो होते हैं उन पे काला धुआं जमने लग गया और उसके चलते वहाँ पे जो मिलेनाइज मॉथ थे जो डार्क विंग्ड मॉथ थे वो बर्ड्स आसानी से लोकेट नहीं कर पाते थे ब्लैक के अंदर ब्लैक मौत छुप जाते थे तो नेचुरल है वो नहीं मरे उनका नंबर पॉपुलेशन जो है वो राइज होती चली गई होती चली गई होती चली गई और ये फिनोमिना एक पर्टिकुलर फिनो का जिसमें नंबर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो उसको तो ये सिलेक्शन जो है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सेलेक्शन जिसमें क्या होता है वन एक्सट्रीम फिनोटाइप इज सेलेक्टेड एंड अनदर एक्सट्रीम फीनोटाइप नंबर इज ग्रेजुअली रिड्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सेलेक्शन तो आंसर इज नंबर वन डायरेक्शनल दिस थर्ड डायरेक्शनल सेलेक्शन वन वन थ्री इसमें पूछा गया है कि सोरऑफ सीड्स किसके एंसेस्टर माने जाते हैं देखिए सोरऑफ्स जो हैं, अगर आप एन को देखें तो उसमें एक इवोल्यूशनरी चार्ट बना रखा है उस इवोल्यूशनरी चार्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ आपको क्लियरली बताया गया है कि जो सौरभ सिड्स हैं उनसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है मैमल्स का इवोल्यूशन किससे हुआ है बाकी रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर फोर में इनका इवोल्यूशन हुआ है किससे सॉरो सौर सोरोस लिजार्ड्स चिपकलियों जैसे रेप्टाइल्स सौरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजार्ड्स लिजर्ट जैसे रेप्टाइल से रेप्टाइल्स जो आज की तारीख में देखने को मिलते हैं और बर्ड्स उनका इवोल्यूशन हुआ है तो यहां पर आंसर है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मैमल्स का इवोल्यूशन किससे हुआ है वन वन फोर विच ऑर द फॉलोइंग इज इन करेक्ट रिगार्डिंग होमोहेबिलिस होमोहेबिलिस के बारे में जो स्टेटमेंट यहां पे लिखे गए हैं, उनमें से क्या चीज गलत है अब जैसे ये है देवर कार्नि ये गलत हो गया वो हर्बीवोर्स वोर्स थे उन्होंने मीट नहीं खाया पहला ही गलत है तो इनकरेक्ट पूछा है दूसरा है क्रेनियल कैपेसिटी बिटवीन 650 टू तो 800 सीसी सी सही है फिर है थर्ड ऑप्शन देवर द फर्स्ट होमिनिड ये भी ठीक है दे प्रोबेबली इवॉल्व इन टू होमो इरेक्टस ये बात भी ठीक है तो कौन सी बात गलत हो गई ये देवर दे देवर नॉट कार्निवोरस आंसर इज वन 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 फाइव द सेल्स अदर देन लीडिंग सेल्स प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन द टेस्टिस मे बी ये मान लीजिए एक सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल ये वाली जगह में जो सेल्स मिलती हैं वो कहलाती हैं इंटर स्टीशियल सेल्स इसके अलावा यहाँ पे ऐसी सेल्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं मैक्रोफेजेस ये है अब इसमें सर्टोली सेल जैसे लिख रखा तो सर्टोली सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं होती स्मूथ मसल सेल इंटरस्पिशियल स्पेस में नहीं होती स्पर्मेटोगोनिया इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं होती तो यहां पर कौन सी सेल मिलेगी बेटा मैक्रोफेजेस जो कि पार्ट है किसका इम्यून सिस्टम का ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को यहां से रिमूव करने में काफी हेल्पफुल होती है

लैक ऑफ मैंस्ट्रिएशन में भी इंडिकेशन ऑफ यदि एक वूमन में साइकिल नहीं हो रही उसका मतलब है या तो वो प्रेगनेंसी चल रही है या उसके अंदर जो है वो माल न्यूट्रीशन है यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी है खासतौर से आयरन की जिसके चलते वो ब्लड फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा या फिर जो कंडीशन आ सकती है वो है ये मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन में भी कई बार मैंसेस डिले हो जाते हैं तो यहाँ पे ये जो तीन सिचुएशन दे रखी हैं, इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन में मेंसेस जो है वो रुक सकते हैं है ना प्रेगनेंसी, हार्मोनल इंबैलेंस, स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड फोर्थ इज एनी ऑफ द अबव थ्री कंडीशन ये फोर्थ इज द राइट आंसर वन वन एट जोना पेलीसुडा लेयर इज रिमूव देखिए एग के बाहर ये मान लीजिए एक एग है और ये इसके बाहर यह है मान लीजिए जोना वैल्यूसीडा इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन एट साइट्स अदर देन यूट्रस यूट्राइन कैविटी के अलावा ये इंप्लांटेशन किसी दूसरी जगह नहीं होने देती जोना पेलिसिडा पॉलीसेक्राइड से बनी होती है अब ये पूछ रहे हैं कब हटती है इज रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नहीं हटती ये इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले हटती है तो इसमें पढ़ो आप ऑप्शन बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं हटेगी एट द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन नहीं हटेगी व्हेन ब्लास्टोसिट अराइव इन द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन जब ब्लास्टोसिस यूट्रस के अंदर आ जाती है यूट्राइन कैविटी में आ जाती है तो जोना हैचिंग होता है जोना पेली हट जाती है उसके बाद में इंप्लांटेशन होता है तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन वन नाइन मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि कॉपर आयन रिलीज करती है और कॉपर आयन जो होते हैं वो स्पम्प्स के जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको प्रिवेंट कर देते हैं और इसलिए ये एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है आईयूडी के फॉर्म में तो इट इज एन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सेकंड सेकेंड इज द राइट आंसर वन टू जीरो इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोटोजोन द बॉडी मे बी कवर्ड बाई सिलिका शेल देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक अमीबॉयड प्रोटोजोन है ठीक है उसके बाहर ये इस तरह के ये रेडिएटिंग ये शैल है सिलिका का ये शेल किसका बेटा सिलिका का शेल है अब जब ये अमीबॉइड प्रोटोजोन इसमें सुडोपोडिया है ये जो आपको सन की तरह निकल के दिख रहे हैं दीजार सूडोपोडिया ये सूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं जब ये प्रोटोजोन इनकी डेथ हो जाती है तो ये ओशन के नीचे ये इसका जो शेल है ये डिपॉजिट हो जाता है पैदे में जाके है ना और ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये कहलाते हैं फोरा मिनी फेरन्स फोरा और इसी तरह के दूसरे प्रोटोजोन है जिनमें सिलिका का शेल होता है वो कहलाते हैं रेडियोलेरियंस रेडियोलेरियंस इनके अंदर ये जो शेल है ये प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली सूर्ड जो होते हैं उसका एक फॉर्म है तो राइट आंसर इज सेकेंड अमीबॉइड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 121 इसमें अपने को मैच कराना है एनिमल के फीचर्स को एनिमल के एग्जाम्पल्स से अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए ये जितने भी एनिमल्स हैं दीज आर ऑल इन्वर्टिब्रेट्स और ये इधर कॉलम ए में लिखे हुए हैं इनके फीचर्स जो आपको मैच कराना है इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें ट्रू मेटामेरिज्म तो मेटामेरिज्म प्लेनेरियंस जो कि प्लेटियलमेंथीज होते हैं उनमें नहीं होता पाइला जो कि मोलस्क है उसमें नहीं होता Scorpion एक आर्थ्रोपोड है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है एसकेरिस में मेटामेरिज्म नहीं होता तो करेक्ट इज थर्ड सूडोसिलोमेट जो है वो है और उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे एसकेरिस ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान यानी कि जहां पे एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है वो प्लेजेंट होता है किसमें प्लेनेरियंस में, में प्लेटियलमेंथीज में और रेडुला एक रास्पिंग ऑर्गन है चबाने के काम में आता है टीथ की तरह काम करता है और वो प्रेजेंट होता है किसमें पाइला जो कि है एक मोलस्क तो यहां पे जो करेक्ट मैचिंग है ए में है ट्रूमेटामजम थ्री बी में है सुडोसिलोमेट वो है एस्केरिस फोर फिर सी में है ब्लाइंड सैक पॉडी प्लान वन और रेडुला है प्लेनेरियन में एस, इसमें पाइला में तो ये हो गया टू तो करेक्ट आंसर इज फोर मैच करा लीजिए आप ए में थ्री बी में फोर सी में वन और डी में टू आंसर इज फोर वन ट्वेंटी टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अब इसमें चार स्टेटमेंट हैं द फैदर्स ऑफ बर्ड एंड आर मॉडिफाइड रेप्टिल्स ये तो सही बात है कि बर्ड्स के फैदर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स के स्नेक के मॉडिफिकेशन से बने हैं अपने को क्या ढूंढना है सही तो ये बात सही है दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपन प्लेटिपस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स नहीं ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये स्टेटमेंट गलत है थर्ड इज बिडर्स कैनाल इज फाउंड इन फीमेल फ्रॉग नहीं ये तो मेल फ्रॉग में होती है जो कि टेस्टिस से गेमिट्स को भी ट्रांसफ़र करती है और ये आ, जो है किडनी से स्पम भी जो होते हैं वो इसी के थ्रू होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो जब अपन बात करते हैं किसकी बिडर्स कैनाल की इट इज़ फाउंड इन मेल फ्रॉग्स इट इज नॉट इन फीमेल फोर्थ इज फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल इन एम्फीबियम फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में एक्सटर्नल होता है इंटरनल नहीं होता तो वन वन टी थ्री विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट पॉरोस ये कॉकरोच का जो मेटामोरफोसिस आप पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है अंडा एग एग से रिलीज हुआ निम्फ और उसके में एक के बाद एक एक के बाद एक, एक, के बाद एक, एक, बाद एक बहुत सारी निम्फल स्टेजेस आती हैं और इन स्टेजेस में जो फाइनल मोल्टिंग होती है उससे एक एडल्ट कॉकरोच जो है सेक्शली मैचोर होकर वो डेवलप हो जाता है तो ऐसा मेटामोफोसिस जिसके अंदर कोई प्यूपा नहीं है कोई कैटरपिलर नहीं है कोई दूसरी स्टेज नहीं है सिर्फ एक एग है उस एग से एक लार्वा या निम्फ बना और कई सारी निम्फल स्टेज या लार्वल स्टेज आई और उससे एडल्ट बन गया इस तरह का मेटामोफोसिस ये जूलॉजी में इसको नाम दिया गया है पोरो मेटाबोलस मेटामोरफोसिस अब आप इसमें रीड कर लें सेकंड ऑप्शन में लिख रखा है एग लार्वा सेवरल स्टेजेस एंड देन एडल्ट। दिस इज अ टिपिकल सीक्वेंस ऑफ पॉरोस मेटामोरफोसिस। बाकी सारे गलत हैं 124। गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम लेटरल सरफेस बाय। बड़ा अच्छा सवाल है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझिएगा गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल मीन्स म्यूकोसा ऑफ स्टमक स्टमक की जो म्यूकोसल सेल्स हैं, ये इस तरह से कॉलिमुनर एपिथीलियम है इनके बीच बीच में आपको ये गॉबलेट सेल्स मिल जाएंगी ये इनका बेसल पार्ट पे न्यूक्लियस होता है और ये इसकी एपिकल सरफेस इस तरह से है बेसमेंट लेयर होगी अब ये बात कर रहा है सेल जंक्शन की गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम लेटरल सरफेस अपन बात कर रहे हैं किस सरफेस की लेटरल सरफेस की ये वाली लेटरल सरफेस है ये लेटरल सरफेस कहलाती है एडजॉइनिंग सरफेस यहां पर जो जंक्शन होते हैं दीज जंक्शन आर टाइट जंक्शन ये टाइट जंक्शन जो होते हैं आपको पता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको ये लीक नहीं होने देते हैं टाइड जंक्शन का काम यही होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लीक होकर नीचे नहीं आ सकता ठीक है तो गैप जंक्शन होगा सब्सटेंस लीक हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा और ये सारे इनकरेक्ट स्टेट वो है इसमें तो राइट आंसर इज सेकेंड दैट इज टाइट जंक्शन ये टाइट जंक्शन आपको नेफ्रॉन की सेल्स के बीच में मिल जाएंगे टाइट जंक्शन आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो ज्यादातर जो लाइनिंग है वहां पर भी मिल जाएंगे करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन ट्वेंटी फाइव द फीचर्स इज रिलेटेड टू कार्डिय मसल फाइबर हार्ट की जो मसल्स होती है वो स्ट्रिएटेड होती है यूनि न्यूक्लिएटेड होती है और वो ब्रांच फाइबर्स होते हैं स्ट्रिएटेड है यूनि न्यूक्टेड है और ब्रांच फाइबर्स आंसर इज फोर ये तो याद रखना पड़ेगा बाकी आप डायग्राम देखते ही हैं कार्डिक मसल्स का उसमें सब दिखाया जाता है 126 ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एंड कैलोरिक डेफिशिएंसी में बिकम ए पेशेंट ऑफ भाई जो बच्चा भूखा है उसको खाना ही नहीं मिला तो उसमें प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है और जनरल न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशियसी है और उसमें हो जाएगा डिजीज मैरसमस अगर वो क्वाश्योरकर हुआ उसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी पेट पूरा भर जाता है भूखा पेट नहीं रहता बच्चा लेकिन अगर डाइट में प्रोटीन कम है और पेट भरा हुआ है तो वो क्वाश्योरकर को लीड करता है और अगर डाइट ही नहीं है प्रोटीन तो छोड़ो कुछ भी नहीं है तो उस केस में जो है वो डिजीज जो डेवलप होती है वो होती है मैरासमस तो करेक्ट आंसर इज मैरे वन वन ट्वेंटी सेवन ड्यूरिंग एब्सॉर्बेशन ऑफ फैट्स विच कंपोनेट मूव इन टू द एंटीरोट सेल एंटीरोसाइट सेल अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल की सेल को ये मान लीजिए एक एलिमेंट्री कैनाल की सेल है जिसकी एपिकल सरफेस मैंने इस तरह से बनाई एंटीरोसाइट सेल है अब यहां पर जो सब्सटेंस एंटर करता है इसके अंदर वो पैसिवली एंटर करता है और वो करते हैं मिसेल्स इसको यहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रिसिंथेसाइज किया जाता है और यहां से फिर ये दोबारा बनके निकलता है काइलोमाइक्रोन में एंटर करेगा मिसेल फिर यहां से बनके निकलेगा वो सब्सटेंस निकलेगा काइलो माइक्रॉन्स तो पूछा गया है ड्यूरिंग एब्जॉर्शन फैट विच कंपोनेंट मूव्स इनटू द एंटीरोसाइट सेल ये एक एंटीरोसाइट सेल बनाई है आपने इसमें जो सब्सटेंस मूव कर रहा है वो कौन सा बेटा वो है मिसेल तो करेक्ट आंसर इज थ्री

वो कहलाता है एक्सचेंज जोन तो लंग्स के अंदर जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट है जिसमें अपन बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एट्रियल सैक एंड एलव्यूलाई वो वाला एरिया वो एक्सचेंज जोन में आ जाता है तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल नोस्टल हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वहाँ तक का ये पोर्शन ये कहलाता है कंडक्टिंग जोन यहाँ से सिर्फ हवा लंग्स के अंदर एंटर करेगी और लंग्स से बाहर आएगी आंसर इज फोर क्लोराइड शिफ्ट, शिफ्ट दोनों जगह होती है एक तो होती है टिश्यू की सेल्स में एक होती है लंग्स की एलोलाई में जब आप ब्लड को डिओक्सीनेटेड ब्लड की बात में कर रहा हूं जब आप डिओक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाते हैं वहां पे कंडीशन क्या होती है उसको मैं आपको बता रहा हूं वहां पे कंडीशन कुछ इस तरह की होती है इन लंग्स टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है दूसरा हाई पी ओ टू होती है तीसरा लो पी सी ओ टू होती है ऐसी कंडीशन होती है वहां पर और साथ में होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन कंडीशंस के अंदर जो होता है ब्लड उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई आती है आरबीसी के साथ में ये मान लीजिए एक आरबीसी है जो यहाँ पे पहुंची इसमें क्या होगा इसमें हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमेबल होती है हाइड्रोजन आयन अंदर ही रह जाते हैं और जो क्लोराइड आयन्स होते हैं वो क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो यहाँ अंदर मूव कर जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन सॉरी क्लोराइड आयन ये बाहर मूव कर जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन अंदर मूव कर जाते हैं जब ये बाइकार्बोनेट आयन आर के अंदर मूव करते हैं वो ये इस तरह का रिएक्शन हो जाता है एच सी थ्री माइनस प्लस एस टू ओ और ये बना देता है एस टू सी ओ थ्री प्लस सी ओ टू ये सी ओ टू को रिलीज कर दिया जाता है लंग्स की एलवई के थ्रू एयर में बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है तो क्लोराइड आयन जो होते हैं इनका जो मूवमेंट होता है ये बाहर की तरफ बाइकार्बोनेट का अंदर की तरफ यहाँ पर आरबीसी में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनाइड्रेस वो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है तो यहाँ पे आपके सामने बाइकार क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है क्लोराइड आयन जो होता है वो जाता है आरबीसी फ्लूड बाहर जाएगा थर्ड है इसके अंदर राइट right आंसर 129 ट्वेंटी नाइन आंसर इज सॉरी आरबीसी इंटरस्टिशियल फ्लूड में नहीं जाएगा प्लाज्मा में चला जाता इंटरस्टिशियल फ्लूड तो अलग चीज हो गई रबीसी से ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा सेकंड आंसर है इसका राइट आंसर वन थर्टी द नंबर ऑफ आरबीसी इन इज अबाउट ये तो नंबर आपको याद रखना पड़ेगा फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर क्यूबिक एमएम है ये लैक्स के अंदर नहीं होता आंसर इज थ्री 131 थर्टी वन द वे ऑफ डिपोलराइजन इन वेंटिकुलर वॉल हार्ट इज स्प्रेड बाई तो हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन स्प्रेड होती है तो वो स्प्रेड होती है किसके थ्रू पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू पुरकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकुलर वॉल में डीपली पेनिटेटेड रहते हैं और वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को जब ये आगे बढ़ाते हैं तो उससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है कार्डिक मसल के अंदर ये

एसिटाइल कोलिन यहां पर थायरोक्सिन भी हार्ट रेट को बढ़ा सकता है ये एडिन तो बढ़ाते ही हैं लेकिन एसिटाइल कोलिन जो है ये हार्ट रेट को रिड्यूस कर देगा तो करेक्ट आंसर इज फोर 132 थर्टी टू ड्यूरिंग काउंटर करेंट फ्लो इन किडनी डिसेंडिंग लिम ऑफ रेक्टा ये मान लीजिए लूप लूपोफेन ले इट इज एल ओ एच इसमें ये फ्लूड फिल्ट्रेट जिसे अपन कहते हैं ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये जो ब्लड वेसल है ये है वास्टा ये मैंने येलो कलर से ड्रॉ किए रफ स्केच बनाया इसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा इधर और फिर ये ब्लड फ्लो करेगा इधर ये हो गई वासा रेक्टा इस वासा रेक्टा में आपको जो सब्सटेंस मूव करवाना है इन डिसेंडिंग लिम ये डिसेंडिंग लिम्ब है इस डिसेंडिंग लिम्ब में क्या एंटर करता है ये चीज पूछी जा रही है मूव्स द डिसेंडिंग ऑफ वासा रेक्टा तो आपके पास में एक काउंटर करेंट बन के तैयार हुआ है असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा और डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एक काउंटर करंट बन के तैयार हुआ है आपके पास में कहां पे ये तन के तैयार हुआ है Ascending limb of loop of और डिसेंडिंग दूसरा काउंटर करंट बन गया आपके पास में तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो सही आंसर है वो इस तरह से है कि जो सब्सटेंस लुपोफेन ले की एसेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा और वो सब्सटेंस है बेटा सोडियम क्लोराइड यह इसके अंदर एंटर कर जाएगा वास्टा और यह सोडियम क्लोराइड इस तरह से बहके आएगा और यहाँ पे इस सोडियम क्लोराइड को वापस कुछ अमाउंट रख लेंगे कुछ अमाउंट निकाल दिया जाएगा इस तरह से चलता है करेक्ट आंसर इज सोडियम क्लोराइड वाटर का मूवमेंट इसके अंदर नहीं होगा वाटर का मूवमेंट इसके अंदर होता है यहाँ से वाटर अंदर जाता है ब्लड के अंदर ठीक है ना यूरिया जो होती है वो यहीं रह जाती है वो अंदर नहीं जाती और पोटेशियम आयन उसका यहाँ पे कोई डिस्कशन ही नहीं है आंसर इज वन सोडियम क्लोराइड। फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफ़ एन एफ नेट्रियोरेटिक फैक्टर यह हार्ट के एट्रियल वॉल से रिलीज होता है एक पेप्टाइड है इसको अपन एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड भी कह देते हैं अब ये क्या करता है जो रेनिन एंजियोटेंसिन एलडेस्ट्रोन सिस्टम है आर ए एस सिस्टम उसको इनिबिट कर देगा रेनिन को इनिबिट कर देगा उससे क्या होगा एल्डोस्ट्रोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा जैसे ही हार्मोन एल्डोस्ट्रोन का प्रोडक्शन कम होगा वैसे ही बॉडी के अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे सोडियम और क्लोराइड को बॉडी से जब निकाला जाएगा तो क्या होगा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट पे लोड घट जाएगा तो कहानी कब शुरू हुई थी जब ब्लड प्रेशर बढ़ा था जब हार्ट पे लोड बढ़ा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट पे लोड बढ़ा हार्ट की एट्रियल वॉल स्टिमुलेट हुई ए एन एफ निकाला ए एन एफ ने आर ए एस को डाउन किया आर ए एस के डाउन होने से एल्डोस्ट्रॉन डाउन हुआ एल्डोस्ट्रॉन डाउन होने से सोडियम को निकाल डाला और उसका नतीजा यह हुआ ब्लड प्रेशर कम हुआ हार्ट पे लोड भी कम हो गया तो ये क्या कर रहा है इट इनिबिट्स रैन इन एनजियोटेंसिन आंसर इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन फिनोमिना आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन को मान लीजिए जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो क्या होगा ये जेड लाइन ये एक दूसरी जेड लाइन और यहां पे ये मायोसिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स मायोसिन के और थिन फिलामेंट्स एक्टिन के मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा ये दोनों लाइंस इधर खिसक आती हैं बीच की तरफ नो चेंज इन द साइज ऑफ आई बैंड ये आई बैंड है दिस इज आई बैंड इसके साइज में रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इधर खिसकेगी ये लाइन इधर खिसकेगी अंदर की तरफ नो चेंज इन द साइज ऑफ ए बैंड ये नहीं है ए बैंड का साइज तो रिड्यूस हो जाएगा साइज ऑफ ए बैंड इज रिड्यूस्ड ये ए बैंड है ये वापस से आई बैंड आ गया तो जब ये खिसकेगा इधर तो ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता ए बैंड की लेंथ में जब चेंज नहीं आएगा

आते हैं और स्लाइड करते हैं फिसलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहलाती है तो यहाँ पे सही आंसर है फोर्थ वन थर्टी सिक्स अब ये जो सवाल हैं, इस पेपर में फिफ्टीन क्वेश्चन है इस तरह के और उसमें से कोई से दस करने हैं। मैं आपको सबका सॉल्यूशन बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन है वन थर्टी सिक्स इसमें व्हाट इज अ मोटर यूनिट ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें अपन एक बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली एक सिनेप्स वाले स्पेस को कहते हैं सिनेप्स वाली जो जगह है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाती है अगर आप पूरी की पूरी मोटर न्यूरोन की बात करें जहाँ पे वो मोटर न्यूरोन आके सार्कोलेमा के साथ में सिनेप्स कर रही है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें मोटर न्यूरोन का कंपोनेंट भी आ गया और मा भी आ गई ये पूरा का पूरा यूनिट ये कहलाती है मोटर यूनिट तो 136 में आंसर इज टू तो मोटर न्यूरोन अलोंग विद मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू एट करेक्ट आंसर इज सेकंड अगर मैं डायग्राम के थ्रू शो करूं अगर मान लीजिए ये एक स्केलेटल मसल है और ये एक मोटर न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स आके इस बन रहे हैं ये कंप्लीट ये कहलाती है मोटर यूनिट 136 आंसर इज टू 137 थर्टी ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ ये इंटरफेल उंगली के बीच में डिजिट्स के बीच में ये जो उंगली मेरी मोड़ के मैं बता रहा हूं आपको ये हिंज ज्वाइंट्स है जिसमें मूवमेंट एक ही प्लेन में होता है आंसर इज थ्री जिसमें एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है 138, अगर एक को एक दें, तो वो ट्रांसमिट कर देती है इंपल्स को आगे की तरफ अब ये काम कौन कर रहा है ये कर रहे हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जिसमें जैसे ही आप वोल्टेज बदलेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे सोडियम आयंस वहाँ से अंदर आएंगे अंदर की सरफेस को पॉजिटिव बनाएंगे और फिर वो सीक्वेंस आगे बढ़ता जाता है आप डिटेल में पढ़ते हो मैकेनिज्म में तो ये सारा खेल किसका है बेटा ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का इसमें बिल्कुल पिन पॉइंटेडली पूछा है व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड इट कैन ट्रांसमिट द इंपल्स अलोंग द एक्सॉन विद द हेल्प ऑफ ये एक्सॉन है ये मान लीजिए पूरा का पूरा एक ये एक एक्सोन है अब इसमें लीकी आयन चैनल जो होती हैं वो इसको पोलराइज्ड बना के रखती हैं मींस बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी इसको पोलराइज बनाए रखने में हेल्प करता है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव ठीक है न्यूरो उसका यहां पे रोल जब आता है जब इम्पल्स को आगे भेजने के लिए कोई न्यूरो ट्रांसमीटर यहां पर रिलीज होता है या तो वो डेंड्राइट की सरफेस पे रिलीज होगा या वो सेल बॉडी पे न्यूरो रिलीज होगा या फिर वो एक्सॉन की सरफेस पे न्यूरो रिलीज होगा तो न्यूरो सिर्फ इंपल्स को ट्रांसमिट कर देगा लेकिन एक्सोन की लेंथ में जब वो बात कर रहे हैं अपन इंपल्स पहुंचाने की तो ये वो करेंगे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कौन सी वाली सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल आंसर इज सेकंड वन थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस जो कि हंगर को रेगुलेट कर रहा है थर्स्ट को प्यास को रेगुलेट कर रहा है बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन जैसे फिनोमेना को कंट्रोल करता है है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बहुत सारे फंक्शन है इसके लेकिन जो मेमोरी और जो कम्युनिकेशन है उसमें इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसलिए करेक्ट आंसर है फोर्थ यही पूछा गया है नॉट ए मेजर फंक्शन तो फोर्थ है मेजर फंक्शन इसका ये नहीं होता वन कलिया इज डिवाइडेड इंटू थ्री चैंबर्स अब जैसे ये आप कोकलिया का डायग्राम बनाते हैं इस तरह से करके ये मैम्रेन ये बीच वाला चैंबर ये ऊपर वाला चैंबर नीचे वाला तीन चैंबर है ये चैंबर है स्काला मीडिया इस स्काला मीडिया की बारे में पूछा है रिजनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है तो ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन है दिस इज ये स्काला मीडिया की रूफ बनाती है रूफ ऑफ स्काला मीडिया आंसर बेस ऑफ स्काला मीडिया तो बेसिलर मेम्ब्रेन हो जाएगी है ना बेस ऑफ स्काला टिम्पेनाई ये तो इधर आ गया रूफ ऑफ स्काला वेस्टिवलाई ये सारा फिर ही गड़बड़ है फिर ही. सही आंसर इसका रूफ ऑफ स्काला मीडिया स्काला वेस्टिबुलाई की रूफ भी नहीं है स्काला टिम्पेनाई की रूफ भी नहीं है और ये रूफ है स्काला मीडिया के 141 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज देखिए ग्रेव्स डिजीज का मतलब है हाइपरथायरायडिज्म जब बॉडी में थायराइड की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसमें जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी में जो भी फैट स्टोर्ड है वो सारा डिजॉल्व हो जाता है तो बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाता है आदमी दुबला पतला हो जाएगा एकदम हाइपर थाइराइडिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा है तो नेचुरल है बॉडी का वेट लूज़ होता है मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है स्वेटिंग बढ़ जाती है ये सारी चीज़ें ग्रेव्स डिजीज के अंदर आती हैं इसमें आप पढ़ें ऑप्शन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट वेट लॉस और थायराइड एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का खुद का एनलार्जमेंट इसके अंदर हो जाता है तो 141 जो क्वेश्चन है आपके सामने ग्रेव्स डिजीज का इसमें आंसर है सेकेंड 142 इंसुलिन इज ए हार्मोन। इंसुलिन क्या कर रहा है ब्लड में शुगर जो होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसको सेल में एंटर करवा देता है जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो ये एक हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो कहलाते हैं हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन तो इंसुलिन कैसा हो गया एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है पैराथार्मोन पैराथाइराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये क्या करता है ये प्लाज्मा में ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस को एंश्योर करता है उसकी गारंटी लेता है तो जब आप कह रहे हैं कि प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करता है इसका मतलब कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ा के रखता है इंक्रीज कर देता है इट इज एन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक तो इंसुलिन तो कैसा हो गया हाइपोग्लाइसिमिक शुगर के लेवल को कम करने वाले हार्मोन हाइपोग्लाइसिमिक और पीटीएच पैराथार्मोन हाइपर आंसर वन फोर्टी थ्री ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप अपड थोरेसिक विच इज डिवाइडेड एट लेवल ऑफ ये जो ट्रेकिया है विंड पाइप ये फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जाके डिवाइड करता है और प्राइमरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है तो आंसर है यहाँ पे फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा 144, देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से है ये क्वेश्चन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन दो एंजाइम्स हैं ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ट्रिप्सिन एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता ट्रिप्सिन पेंक्रेटिक एंजाइम है जो कि एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है ये स्टेटमेंट गलत हो गया पेप्सिन जो कि स्टमक में काम करता है पेप्सिन एक्ट इन एसिडिक मीडियम

एच सी एल फॉर पैप्सिनोजन यानी कि अगर अपन लिखे पैप्सिनोजन और इसने एच सी एल की प्रेजेंस में ये बन गया पैपिन इसी तरह से एक एंजाइम है एंटीरोकाइनेज जो कि कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में तो यहां पर आंसर है ट्रिप्सिनोजन फर्स्ट वन फोर्टी सिक्स नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाई सिगरेट स्मोकिंग ये एम्फाइस सीमा है जिसको अपन स्मोकर्स डिजीज भी कह देते हैं और इसमें लंग्स की जो एलब्यूलाई होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं स्मोकर्स डिजीज एम्फाइस सीमा करेक्ट आंसर इज फोर 147 ब्लड फ्रॉम हेड नेक आर्म्स एंटर्स द हार्ट बाय द ए देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हो रही है तो फ्रॉम द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी बॉडी के आगे के हिस्से से चाहे वो फोर आर्म्स हो चाहे वो हेड हो सुपीरियर वेना वेनाकेवा राइट एट्रियम तक उसको लेके आता है और बॉडी के लोअर हिस्से से जो इन्फीरियर वेनाकेवा होता है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आता है तो सुपीरियर वेना केवा इज़ द ब्लड वेसल दैट इन द राइट एट्रीएम से फॉलोइंग कंपोनेट ऑफ ब्लड डू नॉट नॉर्मली एंटर द नेफ्रॉन ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू होता है अब उन पोर्स के डायमीटर से जिन मॉलिक्यूल्स का या जिस भी जो कंपोनेंट है उसका साइज़ अगर बड़ा होगा तो वो फिल्टर होकर आगे नहीं जाएगा आगे होके क्या क्या जाएंगे जो सबसे सोलबल है वो नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में एंटर कर जाएंगे जैसे वाटर जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड विटामिन आयंस ये सारे के सारे पीसीटी में एंटर कर जाते हैं लेकिन ब्लड की सेल एंटर नहीं करती और उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंटर नहीं करते लार्ज साइज प्रोटीन्स ठीक है अब इसको अपन पढ़ते हैं विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड डू नॉट नॉर्मली एंटर द नेफ्रॉन यूनिट अल्ट्राफिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में एंटर ही नहीं करते यूरिया तो एंटर करती है ग्लूकोज एंटर करता है कैल्शियम आयन एंटर करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंटर नहीं करती एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर एंटर कर जाएगी तो यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से निकाल दिया जाएगा और बॉडी से एल्ब्यूमिन का लॉस हो जाएगा तो एल्ब्यूमिन को नहीं निकाला जाता आंसर है सेकंड 149 फोर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवली सिक्रेटेड बाई डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल ऑफ द नेफ्रॉन तो डीसीटी क्या सब्सटेंस सिक्रेट करती है पोटेशियम आयंस जो कि बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं आंसर इज थ्री क्वेश्चन नंबर 150 अब इसमें स्टेटमेंट लिख रखे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ़ सर्टेन पार्ट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन तो ब्रेन जो होता है ये प्रोटेक्टेड रहता है जो स्कल बोन से पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर ज्वाइन बाई फाइब्रस ज्वाइंट फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस एक्सिस नहीं होती फर्स्ट एटलस होती है दूसरा थर्ड है द नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स नहीं नहीं ये है एलेवंथ और ट्वेल्थ ये भी गलत है फोर्थ है ग्लिनोड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन इज आर्ट नहीं, नहीं। ग्लिनोड कैविटी तो इस शोल्डर वाले जो बोन है जिसको अपन बोलते हैं पैक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल या पैक्टोरल गर्डल यहाँ पर होती है ग्लिनोइड कैविटी और यहाँ पर ह्यूमरस जो है ये फोर आर्म की बोन है ये जाके आर्टिकुलेट होती है ये थाई जाके नहीं जोड़ती तो फोर्थ भी गलत है थर्ड भी गलत है सेकंड भी गलत है फर्स्ट सही है राइट आंसर इज द पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर ज्वाइंट बाई फाइब्रस ज्वाइंट या सुचुरल ज्वाइंट या सूचर जो कि इमोवेबल ज्वाइंट होते हैं ठीक है आई होप यू मस्ट अटेम्प्टिंग दिस पेपर थैंक यू वेरी मच